हेलो दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है वाह मूवीज़। इसमें हम मेनली इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को ग्रो करने में हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है एक शादी से। शादी में जो दूल्हा है उसका एक अच्छा खासा ग्रुप है। इस ग्रुप में है माइकल, स्टीव, काइल और भी सारे दोस्त हैं। पर शादी के समय इन सब के साथ बड़ा धोखा हो गया। एक लड़की ने इनके ड्रिंक में वायग्रा मिला दिया। चर्च में जब ये सब पहुंचे तब ड्रिंक करने के बाद इन्हें उत्तेजना हुई। इन सभी के अंग खड़े हो गए। इनके अंगों को खड़ा देखकर यहाँ के लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। जैसे तैसे शादी हो गई। पर बाद में सभी दोस्त आपस में बातें करते हैं कि इनके अंदर इतनी काम वासना है कि ये शादी जैसी चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। इनमें से एक दोस्त कहता है, पर हमें शादी तो करनी पड़ेगी। अंततः इन सब ने एक फैसला किया है। इन्होंने एक शर्त लगाई है, जो सबसे लास्ट तक बैचलर रहेगा उसे पैसे मिलेंगे। इसके लिए इन्होंने एक म्यूचुअल फंड बनाया है। सभी अपने अपने हिस्से के पैसे इसमें डालेंगे। जो एंड तक बैचलर रहेगा उसे ये फंड मिल जाएगा। यहाँ स्टीव भी बड़ा एक्साइटेड है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए अंत तक बैचलर रहेगा। इसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है। स्टीव ने अब ट्रिश से शादी कर ली है, उससे कंट्रोल हुआ नहीं। अपनी वाइफ के साथ वो लास वेगास जाता है। स्टीव के साथ उसका दोस्त माइकल भी है। यहाँ माइकल को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। होटल रूम में माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप करता है। दूसरी बार जब ये घपाघप करने जाते हैं तब माइकल की गर्लफ्रेंड माइकल का मुख मैथुन करने जाती है। माइकल बड़ा एक्साइटेड है। उसकी गर्लफ्रेंड जब उसका मुख मैथुन करने वाली है तब वो कहती है कि तुम्हें वो तीन शब्द कहने होंगे। माइकल को लगा कि शायद आई लव यू की बात हो रही है, वो आई लव यू बोलता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं, मुझे वो तीन शब्द सुनने हैं जिसके बाद मैं तुम्हारा मुख मैथुन करूँगी। अब बेचारे माइकल को क्या पता कि वो तीन शब्द कौन से हैं। इससे उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई और अब वो उससे ब्रेकअप करके जा रही है। माइकल ने मनाने की कोशिश की पर वो हार गया। माइकल बाद में स्टीव से मिलकर पूछता है कि आखिर वो तीन शब्द कौन से हैं जिससे लड़की मुख मैथुन करती है। स्टीव कहता है ये बात उसे भी नहीं पता, पर वो ये कबूल करता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया और शादी कर बैठा। इस तरह अब वो इस फंड से बाहर हो चुका है। अभी अभी तो माइकल का ब्रेकअप हुआ है, पर तभी वो यहाँ कसिनो में एक और खूबसूरत लड़की को देखता है। उसके इशारों पर वो जाकर उसके साथ यहाँ पर गेम खेलता है। यहाँ वो धीरे धीरे अपने पैसे हारने लगा। वो लड़की उसे चढ़ाती गई और माइकल चने की झाड़ पर चढ़ता गया। अंत में वो सारे पैसे हार गया, यहाँ तक कि उसने कसिनो से पैसे उधार लेकर खेला और वो भी हार गया। कसिनो के बॉस ने उसे अंदर बुलाया। बॉस ने उसे धमकाया कि किसी भी तरह मेरे पैसे वापस करो, वरना तुम्हारे अंगों के साथ बहुत छेड़छाड़ होगी। अब माइकल को किसी भी तरह पैसे लौटाने हैं। उसे याद आया कि वो फंड से पैसे लेकर कर्जा चुका सकता है। इस ग्रुप में सिर्फ काइल और माइकल ही बचे हैं जो कि शादीशुदा नहीं हैं। किसी तरह माइकल अगर काइल की शादी करा दे तब माइकल को सारे पैसे मिल जाएंगे। वो काइल के बारे में पता लगाना शुरू करता है। उसे पता चला है कि काइल अब बहुत अमीर हो चुका है, पर वो महज चूतिया किस्म का इंसान है। जब स्टीव और ट्रिश की शादी हुई थी तब काइल किसी लड़की को पसंद करता था, उसका नाम था नेटली। अब माइकल ने फिगर आउट किया है कि अगर वो नेटली और काइल की शादी करा दे तब सारे पैसे उसके हो जाएंगे। वो नेटली का पता लगाता है, उसके साथ छेड़ाखानी करता है, पर नेटली तो पुलिस ऑफिसर निकली, वो उसे अरेस्ट कर लेती है। जेल में उसके साथ खूब टॉर्चर होता है। बेचारा माइकल सब कुछ डिस्क्लोज कर देता है। वो कहता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया है। वो बताता है कि काइल नेटली से प्यार करता है। अंततः माइकल को छोड़ दिया गया है। बाद में नेटली माइकल से मिलने आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होने को तैयार हूँ, मैं काइल से शादी करूँगी पर मुझे आधे पैसे चाहिए फंड के। माइकल ने इसके लिए हाँ कर दिया। अब ये काइल को स्टॉक करना शुरू करते हैं, पर इन सब में धीरे धीरे माइकल अब नेटली को पसंद करने लगा है। वो काफ़ी खूबसूरत है, उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं माइकल को। नेटली भी धीरे धीरे माइकल को पसंद करती है, पर वो ये बात माइकल से बताती नहीं है। जब वो काइल से मिलने जाती है तब वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। काइल भी अपने किए की माफ़ी मांगता है। यहाँ पता चलता है कि जब स्टीव और ट्रिश की शादी हो रही थी तब माइकल और नेटली मिले थे, दोनों ने आपस में घपाघप किया। उसके बाद काइल नेटली को छोड़कर चला गया था। नेटली ने काइल को माफ़ कर दिया है। काइल नेटली के कच्छे पहनकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। नेटली इम्प्रेस होती भी है। दोनों आपस में घपाघप करते हैं। बाद में नेटली माइकल से मिलकर कहती है कि वो अब काइल से शादी करने जा रही है। ये सब सुनकर बेचारे माइकल का दिल टूट गया। पर जब काइल के द्वारा माइकल को ये पता चला है कि काइल नेटली का सिर्फ इस्तेमाल करेगा। बैचलर पार्टी में काइल माइकल से कहता है कि मैं तो नेटली से सिर्फ शादी कर रहा हूँ संभोग करने के लिए, नेटली रहेगी घर पर और मैं रहूँगा बाहर,
बाहर में और भी लड़कियों के साथ गपागप करूंगा और नटली को पता भी नहीं चलेगा। माइकल नटली को बहुत पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि नटली की लाइफ बर्बाद हो। वो नटली से मिलकर शादी रोकना चाहता है, पर अचानक से उसे बॉल के द्वारा चोट लगती है। वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठा है तब वो अपने आप को नंगा पाता है। उसे दौड़कर शादी रोकनी है। वो देखता है कि यहाँ एक लड़की लेटी हुई है। उसके लिबास निकाल कर वो खुद ही पहन लेता है। इस तरह लड़की के लिबास में वो निकल पड़ा है नटली की शादी रोकने। वो एक बैंड में जाकर यहाँ गिटार तोड़ देता है। यहाँ के लोग उसे भगाते हैं। वो एक दूसरे चर्च में जाता है, पर यहाँ शादी किसी और की हो रही है। माइकल ने यहाँ शादी रोकने की कोशिश की, उसे यहाँ से ही भगा दिया गया। पर जब तक वो कायल और नटली के लोकेशन पर पहुँचा तब तक शादी हो चुकी थी। बेचारा माइकल उदास घर आ गया। कुछ समय के बाद माइकल को कायल मिला है। कायल किसी और लड़की के साथ है। माइकल जाकर कायल को स्लैप करता है। वो कहता है कि तुम नटली की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। कायल यहाँ बताता है कि उसका और नटली का सेपरेशन हो चुका है। वो कहानी बताता है कि शादी वाली रात को नटली ने उसे जोर का पंच मारा, उसे छोड़कर चली गई। यानी नटली ने कायल से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। अब माइकल को रियलाइज़ हो रहा है कि नटली सिर्फ उसी से प्यार करती है। वो नटली के पास पहुँचा है, उसे अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर इन्होंने साथ में रहने का फैसला किया और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।